मुजफ्फरपुर वालों की आवाज को, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है, 25 में भाजपा सरकार लानी है या नहीं लानी है, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं एडवांस में ही समग्र बिहार की जनता को छठ महापर्व का बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। अभी ही छठ का उत्साह दिखने को मिल रहा है। मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में ये बिहार जंगल राज से मुक्त हो, पलटू राम से मुक्त हो। मित्रों, मैं यहां स्थित बाबा गरीबनाथ और खगेश्वरनाथ मंदिर में विराजमान भगवान शिव को चरण में वंदना कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, ये भूमि खुदीराम बोस, जुब्बा साहनी, पंडित सहदेव झा जैसे क्रांतिकारियों की भूमि है। ये तीनों क्रांतिकारियों को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, आज मैं जब उत्तर बिहार में आया हूं तब लगभग पूरे बिहार के सभी अंचल का मेरा दौरा आज समाप्त हो रहा है। मैं फिर से एक बार बिहार की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, 2014 में बिहार की जनता ने मोदी जी को 31 सीटें दी और 19 में 39 सीटें दी। इस बार 24 में एक का कमी रह गया है, 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दीजिए। और मित्रों, इससे भी बड़ा विनंती है कि 2025 में इस बार कमल फूल की सरकार बनानी है, भाजपा सरकार बनानी है। क्योंकि आपने जब आशीर्वाद दिया, ये पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश का द्रोह किया। मुझे बताओ, आपने लालू जी के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था या नहीं दिया था? जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह करे है और बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की भेंट पर चढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में अभी अभी G20 हुआ और G20 में दिल्ली घोषणा पत्र को सभी देशों ने सर्वसहमति से स्वीकार कर मोदी जी का सम्मान करने का काम किया है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया, आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और बायोफ्यूअल अलायंस को सफलता मिली और मोदी जी ने सभी राष्ट्राध्यक्षों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पर, राजघाट पर श्रद्धांजलि दिलाकर समग्र देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब ये पलटू बाबू को कहने आया हूं, आपने बिहार की जनता का जनादेश का द्रोह किया है, परंतु मोदी जी ने 9 साल में इस देश में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ बिहार वालों, कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये आरजेडी और जदयू धारा 370 हटाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बहेगी। लालू जी, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक पर बैन किया, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों को सीधा करने का काम किया,
चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचाने का काम किया, नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनाने का काम किया और माताओं बहनों को 33% आरक्षण विधानमंडल और संसद में देकर मातृशक्ति का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये जो इंडी अलायंस है उनका एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना। इन्होंने जब इनको शासन मिला तब 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे थे और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले नीतीश बाबू आज 4 सीटेड लोगों के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। नीतीश जी शर्म करो, सम करो, लालू की खिलाफत कर राजनीति की थी, आज लालू की गोदी में बैठे हो। माताओं भाइयों बहनों मुझे बताओ, 2G घोटाला करने वाले इंडी अलायंस वाले चाहिए या 5G देने वाले नरेंद्र मोदी चाहिए? जोर से बोलो। मित्रों, ये परिवार की दुकान चलाने वाले लोग हैं, एक को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरे को बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं दोनों को कहने आया हूं, नीतीश बाबू प्रधानमंत्री छोड़ दो, इंडी अलायंस ने तो आपको संयोजक भी नहीं बनाया, आप कहीं के नहीं रहे। मैंने पहले ही कहा था, आप माने नहीं, तेल और पानी कभी इकट्ठा नहीं होते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। आगे भी देखिए लालू जी आपकी क्या गत कर रहे हैं, क्या गत कर रहे हैं, और अब हर रोज छटपटा रहे हैं। लालू जी से निकलना तो है मगर रास्ता नहीं बचा है। कभी कांग्रेस को गाली बोलते हैं, कभी कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, मगर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। माताओं भाइयों बहनों, 2 प्रकार के जैम है, बीजेपी सरकार का जैम है, जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, और बिहार सरकार का जैम है जातिवाद और परिवारवाद, अपराध और माइनॉरिटी का तुष्टीकरण। आपने मोदी जी के जैम के पास जाना है, आगे नहीं जाना है। मित्रों, अभी अभी ये गठबंधन वालों ने बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए पिछड़ा समाज के खैरखा होने की बात करी। आज मैं बिहार के पिछड़ा समाज को कहने आया हूं, इनके झांसे में मत आइए। ये जो सर्वेक्षण करा है नीतीश जी ने, सर्वेक्षण करने का फैसला हुआ तब भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार में हिस्सेदार थी और भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला था। और मित्रों, सर्वे में क्या किया, यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया, अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। मित्रों, इन्होंने हमेशा पिछड़ा समाज का कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया, विरोध भी किया, और मोदी जी ने हमेशा पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम किया है। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री, जोर से बोलो कितने मंत्री, 27 मंत्री ओबीसी समाज से हैं। 35% से ज्यादा मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी है। लालू जी अब 10 साल तक यूपीए सरकार में थे, ओबीसी कमीशन को क्यों संवैधानिक मान्यता नहीं दी, इसका जवाब बिहार के पिछड़ा समाज को लालू यादव दे। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा समाज की सूची को राज्यों को निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार दिया है, और इसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में ओबीसी समाज को, पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। IIT में सारे पिछड़ा और ईबीसी वालों का फीस माफ किया, नीट की परीक्षा में, मेडिकल के दाखिलों में ओबीसी समाज और अति पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था की, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों में पिछड़ा समाज और अति पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण दिया, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रों की वित्तीय सहायता की, और DBT के माध्यम से
सीधा बैंक का खाते में फीस भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आज बिहार के ईबीसी और ओबीसी, पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज को कहने आया हूं, ये सर्वे जो है ये छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था मगर हमें नहीं मालूम था लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने आज देश के 60 करोड़ गरीबों को आगे आने का रास्ता प्रशस्त किया है। और ये कहते हैं इंडी अलायंस वाले, जितनी जिसकी आबादी इतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ठीक है लालू जी, सबसे ज्यादा आपके सर्वेक्षण में इकोनॉमिकल बैकवर्ड आया है, क्या आप घोषणा करोगे कि इंडी अलायंस का मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज से होगा, इसकी क्या आप घोषणा करोगे? लालू जी मेरी बात का जवाब दे। मित्र, इन्होंने हमेशा तुष्टिकरण करने का काम किया है। मुजफ्फरपुर, सासाराम, बिहार शरीफ, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, इसके सहित समग्र बिहार में मुस्लिम तुष्टिकरण का काम किया है। इसको रोका न गया तो सीमांत क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। मित्रों, पूरा बिहार गैंगवॉर का अड्डा बना है। भाजपा के नेता राजेश हांसदा की गोली मारकर हत्या की और हर रोज अब अपहरण होने लगे हैं। फिर से लालू राज आ गया है। रोजगारी का 10 लाख नौकरी देने वालों लोगों ने रोजगारी की रैली पर लाठी चार्ज कर युवाओं को अपना असली चेहरा बताने का काम ये लालू और नीतीश ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये मुजफ्फरपुर में 200 करोड़ से 100 बेड का कैंसर अस्पताल हमने बनाया। लीची को जीआई टैग मिला और डाक टिकट पर शाही लीची को स्थान देकर मुजफ्फरपुर के किसानों को पूरे देश के अंदर बाजार देने का काम मोदी जी ने किया है। हमारी सरकार ने दरभंगा एयरपोर्ट पर अब 16 लाख यात्री ऐसी जगह दी थी। भाई और बहनों, केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब सोनिया मनमोहन की सरकार थी, लालू जी वहां मंत्री थे, तब 10 साल में बिहार को 1,50,000 करोड़ रुपया दिया था। मोदी जी ने 9 साल में 6,00,000 करोड़ रुपया देकर बिहार का विकास किया है। ये 6,00,000 करोड़ रुपया ग्रांट इन एड एंड और डिवोल्यूशन का है। इसके अलावे भी 4.5 लाख करोड़ रुपया बिहार में कई सारे पुल, 2 नए वंदे भारत ट्रेन, 3 वंदो मेट्रो ट्रेन चलाने वाले हैं। 2584 करोड़ से 49 नए रेलवे स्टेशन, पटना का हवाई अड्डा और गया के हवाई अड्डे का आधुनिकरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर वालों, ध्यान से सुनना, 86 लाख किसानों को हर साल 6000 रुपया नरेंद्र मोदी सरकार भेज रही है। 80 लाख गरीबों को, 80 लाख से ज्यादा आयुष्मान भारत के लाभार्थी है। 1.3 करोड़ शौचालय बनाए हैं। 1.8 करोड़, 1,80,00,000 गरीबों को प्रतिमाह 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मोदी जी भेज रहे हैं। और मोदी जी ने कल ही ऐलान किया है अगले 5 साल तक ये गरीबों को और अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। 23 लाख गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया और इसके साथ साथ 26,000 गरीबों को घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे बताओ भाई, अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, मुजफ्फरपुर वालों जरा जोर से बताना, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? इंडिया अलायंस वाले, लालू, नीतीश, कांग्रेस राम जन्मभूमि के मंदिर को लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया,
और 22 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मैं तो बिहार वालों को निवेदन करने आया हूं, 22 जनवरी को 12 बजे प्राण प्रतिष्ठा है, देश भर के मंदिरों में आरती होने वाला है, आप भी शामिल होइए और राम लल्ला की प्रतिष्ठा का स्वागत करिए, यही मेरा विनंती है। मुझे बताइए आने वाले चुनाव में 2024 में तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, 24 में सभी सीटें जीतने का संकल्प करिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय।